एक बार फिर से खैर मकदम है आपका गुलिस्तान लाइव फीड में। और जिस तरीके से आपको पता होगा कि लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस हुए और कल पहले मरहले की वोटिंग होगी, और वही उसी के साथ साथ आज चौथे फेज की जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। और उसमें करीबन 9 स्टेट्स और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में चौथे मरहले से इलेक्शन होंगे। उसके साथ साथ उसमें श्रीनगर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका भी उसमें जिक्र है। और आपको मैं बता दूं, करीबन 102 के करीब जो पार्लियामानी हल्के हैं वहां पे ये इलेक्शन नोटिफिकेशन निकला है, यानी जिसके हवाले से सुबह से हमने आपको अपडेट किया था कि 25 तारीख को इसके हवाले से नॉमिनेशन फिल करना है। उसके साथ साथ 26 तारीख को सिक्योरिटी होगी या जो जांच पड़ताल है डॉक्यूमेंट्स की वो होगी, और उसके बाद अगर किसी को विड्रॉल करना होगा वो 29 तारीख को कर सकता है, और उसके बाद जो है उसकी डेट खत्म हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं, इस हवाले से आज डीसी श्रीनगर की तरफ से मीडिया के सामने इस चीज का एतराफ किया गया था, इस चीज को जाहिर किया गया था कि जो नॉमिनेशन टाइम है वो 25 अप्रैल का है। उस दिन श्रीनगर के जितने भी लोकसभा कैंडिडेट्स है वो वहां पर आ सकते हैं, वहां पर अपनी जो फॉर्म्स है नॉमिनेशन फॉर्म्स है वो वहां पर भर सकते हैं, लेकिन उनके के लिए कुछ गाइडलाइंस भी इशू की गई है। जिस तरह से आपको पता होगा कि जब भी किसी कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करना होता है तो उसके साथ लोगों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज उस पर डीसी श्रीनगर ने पाबंदी आयद की। उन्होंने कहा कि डीसी से जो डीसी ऑफिस श्रीनगर है, यानी जिसे अमर निवास कहते हैं, उसके 100 मीटर के जो दायरे में है, रेडियस में है, किसी तरह की कोई गैदरिंग की इजाजत नहीं होगी। जो भी कैंडिडेट आएगा वो सिर्फ 5 लोगों के साथ डीसी ऑफिस एंटर होगा, और उसके साथ साथ खाली 3 गाड़ियां उनके साथ होनी चाहिए। यानी जो जो एक रिवायत रहती थी कि अच्छी खासी तादाद में लोग अपने कैंडिडेट्स के साथ नारेबाजी करते हुए नॉमिनेशन फाइल भरने के लिए आते थे या नॉमिनेशन कागजात जो है भरने के लिए आते थे, तो कहीं ना कहीं डीसी श्रीनगर की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जो भी लोकसभा कैंडिडेट्स होंगे, जैसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आएंगे, उनके साथ सिर्फ 5 लोग होने चाहिए, और उसके साथ साथ 3 से ज्यादा गाड़ियों में वो नहीं आ सकते, वो डीसी ऑफिस एंटर नहीं हो सकते, और जो भी गैदरिंग होगी वो डीसी ऑफिस के करीबन 100 मीटर के रेडियस के बाहर होनी चाहिए, या किसी तरह की कोई कंजेशन डीसी ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अनाउंसमेंट हो चुके हैं, इलेक्शन नोटिफिकेशन निकल चुका है, और करीबन 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है श्रीनगर लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें 8 जो असेंबलीज है वो श्रीनगर की, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसके साथ साथ जिला बड़गाम की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उसके साथ पुलवामा की 4 और शुपया की 1 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो 12 वो श्रीनगर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ वो जुड़ चुकी है, और 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें करीबन 17 लाख से ज्यादा वोटर्स की तादाद है, और उसके साथ साथ जो नए वोटर्स एडिट हुए हैं, जो 18 साल की जिन्होंने उम्र पार की है, जिनको नए वोटर आई डी कार्ड मिले हैं, जिनका नया वोट है, उनकी तादाद भी 2 लाख से ज्यादा है, और करीबन 2100 से ज्यादा की जो पोलिंग स्टेशन है वो नामजद किए गए हैं, वो नॉमिनेट अनाउंस किए गए हैं, और करीबन 2000 से ज्यादा के जो पोलिंग स्टेशन है वो पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होंगे। और आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट आज डीसी श्रीनगर की तरफ से की गई है कि किसी तरह का कोई जलसा जुलूस डीसी ऑफिस के अंदर नहीं होगा, किसी तरह की कोई गैदरिंग वहां पे नहीं होगी, बल्कि सारी कुछ जो एक्टिविटीज इस तरीके की होगी वो डीसी ऑफिस के बाहर, यानी 100 मीटर के रेडियस के बाहर होना चाहिए, और उसके बाद जो भी कैंडिडेट आएगा वो सिर्फ 5 लोगों के साथ आएगा अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, उसके साथ उनके साथ सिर्फ 3 गाड़ियां होनी चाहिए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिलहाल 3 कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस हो गए हैं, जिसमें अपनी पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ मीर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं श्रीनगर से, उसके साथ साथ पीडीपी के जो यूथ प्रेसिडेंट है वहीदुर्रहमान परा वो श्रीनगर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सईद रूहुल्ला को नॉमिनेट किया गया है, नामजद किया गया है। तो ये 3 बड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, या लोकसभा इलेक्शन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, जो कि लगातार कैंपेनिंग उनकी हो रही है, लेकिन अब टाइम आ गया है उनके, अब 25 तारीख को उनको नॉमिनेशन जो है फिलअप करना है, और उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेनिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और बाज़ाबता तौर पर अगर विड्रॉल करना होगा किसी को वो 29 अप्रैल से पहले पहले या 29 अप्रैल तक अपने जो नॉमिनेशन है उसका विड्रॉ कर सकता है। तो ये तो अपडेट आज था सुबह, आज करीबन 4-5 बजे डीसी श्रीनगर की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि, और जो प्रोसीजर या गाइडलाइंस जो कैंडिडेट्स के लिए दी गई थी वो उसमें सबसे पहले बड़ा ये इंपॉर्टेंट था कि लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से आपको डीसी ऑफिस में एंटर होना है, इसके हवाले से गाइडलाइन थी जो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन अब
देखने वाली बात होगी कि जिस दिन ये कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म बना होगा उस टाइम देखा जाएगा कि किस तरीके की गैदरिंग होगी और किस तरीके से जो क्या माहौल उस टाइम होगा, क्योंकि जो माहौल आज हमने अनंतनाग में देखा, काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ अपने कैंडिडेट्स के साथ की नारेबाजी हुई थी, चाहे वो मैं अल्ताफ साहब की बात हो, महबूबा मुफ्ती की बात हो, उसके साथ साथ जफर इकबाल मनहास की बात हो, तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ उनके साथ थी। तो इस तरीके से जो है श्रीनगर में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो तीनों कैंडिडेट हैं वो बड़े जो है बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट्स और काफ़ी ज़्यादा अहम मुकाबला श्रीनगर में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो हम कह सकते हैं यहाँ के जो रिजल्ट्स है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि तीनों कैंडिडेट जो है उनके हवाले से किसी तरह की कोई हम कह सकते हैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि कितने कौन कहाँ पे स्ट्रांग है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जो है सारा कुछ चेंज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई है या वोटर जो है वो चेंज हो गए, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी जब इलेक्शन होगा उस टाइम किस तरीके का मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल लीडर्स के मैंने आपको नाम बताए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सईद रूहुल्लाह, पीडीपी से वहीदुर रहमान परा और उसके साथ साथ जो अपनी पार्टी है उससे मोहम्मद अशरफ मीर लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए, इलेक्शन के हवाले से या बाकी जितने भी अपडेट आते हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।